गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर SST क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 5 टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 6। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लर्न कंप्लीटली। टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर नंबर 7, द फ्रिज्ड जोन। द एरिया सराउंडेड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर परमानेंटली कवर्ड बाय आइस एंड एरिया फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। जो एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास का है वो पूरे साल आइस से कवर रहता है और परमानेंटली फ्रिज्ड रहता है। दे आर कॉल्ड फ्रिज्ड जोन्स, जिन्हें हम फ्रिज जोन्स कहते हैं, जमे हुए जोन्स कहते हैं। देर आर टू फ्रिज्ड जोन्स, हमारे दो फ्रिज जोन्स हैं, वन इन ईच हेमिस्फेयर, एक हर हेमिस्फेयर में एक फ्रिज जोन स्थित है। द नॉर्दर्न फ्रिज जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। ये कह रहा है कि जो हमारा नॉर्दर्न फ्रिज जोन है वो किस किस के बीच है, आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक विस्तृत है, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक हमारा नॉर्दर्न फ्रिज जोन स्थित है। वाइल द साउदर्न फ्रिज जोन इज लोकेटेड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड द साउथ पोल। वैसे ही जो हमारा साउदर्न फ्रिज जोन है वो भी अंटार्कटिक सर्कल से लेकर और साउथ पोल तक विस्तृत है, यानी कि 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक हमारा साउदर्न फ्रिज जोन स्थित है। द नॉर्दर्न फ्रिज जोन कंसिस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड, नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा, नॉर्थ पार्ट ऑफ अलास्का, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द नॉर्थ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, द आइलैंड ऑफ आइसलैंड एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ साइबेरिया, रशिया इन यूरोप। ये कह रहा है कि जो नॉर्दर्न फ्रिज जोन है उसके अंदर ये सारी कंट्रीज विद्यमान हैं, जैसे ग्रीनलैंड, नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा, नॉर्थ पार्ट ऑफ अलास्का, कॉन्टिनेंट इन नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, द आइलैंड आइसलैंड एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ साइबेरिया, रशिया इन यूरोप। ये सारे कॉन्टिनेंट हमारे नॉर्दर्न फ्रिज जोन में आते हैं। द एरिया ऑफ द फ्रिज जोन आर इनहैबिटेटेड बट वेरी फ्यू पीपल लिव देयर। ये जो एरिया है ये इनहैबिटेटेड है, यानी कि यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। द साउदर्न फ्रिज जोन इंक्लूड मेनली द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो साउदर्न फ्रिज जोन है उसके अंदर मेनली कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है। जैसे बेटा ये मैप दिखाया हुआ है, इसके अंदर हमारा जो नॉर्दर्न फ्रिज जोन का एरिया है वो ये सारा है यहाँ पे, और साउदर्न फ्रिज जोन हमारा इधर होता है, यहाँ पर हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट होता है, वो साउदर्न फ्रिज जोन का एरिया होता है। This continent is uninhabited and is known as the frozen continent as it is the coldest continent and remain frozen throughout the year. ये जो एरिया है, ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहता है, अनइनहैबिटेटेड है और ये पूरे साल जमा हुआ रहता है, फ्रोजन है, जिसे हम कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्लाइमेट, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न फ्रिज जोन रिसीव सनलाइट सन स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एज द एरिया एज दे आर फार अवे फ्रॉम इक्वेटर। कह रहा है कि जो नॉर्दर्न और साउदर्न फ्रिज जोन है वो तिरछी सन की रेज रिसीव करती हैं, स्लैंटिंग सन की रेज रिसीव करते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत अधिक दूरी पर है। जो इक्वेटर के पास के जो रीजन्स होते हैं वो डायरेक्ट सन रेज रिसीव करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, यू रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। गुड मॉर्निंग एवरी वन, लेट वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेज फॉर क्लास 5th। माई डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी डू क्वेश्चन नंबर 3, टूडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन यूनिट्स को अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स पार्ट ए में हमें गिवन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर, पार्ट बी में हमें कन्वर्ट करना है गिवन यूनिट्स को
डेकामीटर के अंदर, मीन्स हमें इच पार्ट के अंदर गिवन यूनिट्स को अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. सो लेट वी स्टार्ट. पार्ट ए 36 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इनटू मिलीमीटर. स्टूडेंट्स हमें टू यूनिट्स गिवन है, एक सेंटीमीटर सेकंड है मिलीमीटर, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर के अंदर. नाउ स्टूडेंट्स हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे मिलीमीटर. मिलीमीटर में स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है, और हमें क्वेश्चन में क्या यूनिट्स गिवन है, सेंटीमीटर. मिलीमीटर जो यूनिट्स गिवन है ये 7 के साथ ये सेम रहेगी. मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्या है, ग्रेटर यूनिट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. नाउ 36 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू 36. 36 के साथ सेंटीमीटर राइट नहीं करना है, आप क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर प्लस 7, मिलीमीटर सेम रहेगा, इज इक्वल टू 36 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 360 मिलीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे 367 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स रिलेशन हम जिस यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसे देखेंगे क्वेश्चन में गिवन यूनिट्स बिगर है या स्मॉलर है. बिगर है तो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर स्मॉलर है तो डिवाइड करेंगे. आई थिंक अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी. 62 मिलीमीटर 39 सेंटीमीटर इंटू हेक्टामीटर. पहले स्टूडेंट्स रिलेशन ड्रॉ करेंगे, किस में चेंज करना है, हेक्टामीटर. पहली यूनिट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, मीटर. हेक्टामीटर से मीटर की, मीटर स्मॉलर यूनिट है तो डिवाइड होगा स्टूडेंट, और किससे डिवाइड होगा, 100 से. अगर डेकामीटर में चेंज करना हो तो किससे डिवाइड होता, 10 से. सेकंड किसको चेंज करना है, सेंटीमीटर को. स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, हेक्टामीटर में. हेक्टामीटर से देखेंगे सेंटीमीटर स्मॉलर या ग्रेटर, स्मॉलर है स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या होगा, डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 1, 2, 3, 4, 10,000 से. नाउ वी सॉल्व. 62 मीटर 39 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 62 को किससे डिवाइड करना है, 100 से. 62 डिवाइडेड बाय 100 हेक्टामीटर प्लस 39 को किससे डिवाइड करना है, 10,000 से. 39 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टामीटर. फ्रेंड्स अब इनके साथ आपको मीटर और सेंटीमीटर राइट नहीं करना है, हेक्टामीटर राइट करना है क्योंकि उसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट 62 को 100 से डिवाइड किया तब क्या है, 0.62 हेक्टामीटर प्लस 39 को 10,000 से डिवाइड किया तब क्या है, 0.0039 हेक्टामीटर. नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे क्या आएगा, 0.6239 हेक्टामीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई. पार्ट ई में हमें गिवन है 64 किलोमीटर 26 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. इसको किसके अंदर चेंज करना है, डेसीमीटर के अंदर. स्टूडेंट्स सबसे पहले आप रिलेशन ड्रॉ करोगे जिसके अंदर आपको चेंज करना है. डेसीमीटर से देखोगे फर्स्ट यूनिट आपको क्या गिवन है, किलोमीटर. तो किलोमीटर बिगर यूनिट है या स्मॉलर यूनिट है, बिगर यूनिट है तो मीन्स मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10,000. नाउ सेकेंड यूनिट क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर डेसीमीटर से स्मॉलर यूनिट है, इसमें डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 10 से. नेक्स्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर. मिलीमीटर डेसीमीटर से स्मॉलर यूनिट है, इसमें किससे डिवाइड होगा, 100 से. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी सॉल्व. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर. नाउ 94 किलोमीटर, 94 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 डेसीमीटर से, प्लस 26 के साथ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करना है, 26 डिवाइडेड बाय 10 डेसीमीटर, प्लस 8 के साथ मिलीमीटर है, मीन्स 8 को हमें डिवाइड करना है 100 से, 8 डिवाइडेड बाय 100 डेसीमीटर. नाउ 94 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 9,40,000 डेसीमीटर, प्लस 26 को 10 से डिवाइड करने पे 2.6 डेसीमीटर, प्लस 8 को 100 से डिवाइड किया 0.08 डेसीमीटर. सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन सभी को ऐड करना है, आप साइड में राइट करके इनको ऐड कर सकते हैं. ऐड करने पे क्या आएगा, 9,40,002.68 डेसीमीटर. स्टूडेंट्स रफ वर्क का आपको नोटबुक में पीछे करना है. पार्ट एफ 63 किलोमीटर 32 हेक्टामीटर 23 डेकामीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर. स्टूडेंट्स इन सभी यूनिट्स को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. फर्स्ट यूनिट हमें किलोमीटर में ही है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है, बाकी टू यूनिट्स लेफ्ट रह जाती है, हेक्टामीटर और डेकामीटर, इनको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर. किलोमीटर से देखेंगे अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हेक्टामीटर. हेक्टामीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है, तो इसमें हमें डिवाइड करना है किससे, 10 से. नेक्स्ट हम राइट कर देंगे 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 1/10 किलोमीटर. नेक्स्ट स्टूडेंट डेकामीटर. डेकामीटर किलोमीटर से स्मॉलर यूनिट है तो इसमें भी हमें डिवाइड करना है किससे करना है, 100 से, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको 10 से डिवाइड किया ये आ गया 1/10. अगेन इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/100.
आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, 1 decameter इज इक्वल टू 1/100 किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स 63 किलोमीटर, 32 हेक्टोमीटर, 23 decameter इज इक्वल टू 63 किलोमीटर सेम रहेगा स्टूडेंट्स प्लस 32 हेक्टोमीटर. 32 को किसे डिवाइड करेंगे, 10 से, 10 किलोमीटर प्लस 23 हेक्टोमीटर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, 100 किलोमीटर. स्टूडेंट्स आपको अब हेक्टामीटर और डेकामीटर राइट नहीं करनी है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स 63 किलोमीटर, 32 को 10 से डिवाइड करेंगे 3.2 किलोमीटर प्लस 23 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.23 किलोमीटर इक्वल टू, इनको साइड में ऐड करके भी यहाँ राइट कर सकते हैं, 63.2 नेक्स्ट 0.23 क्या है स्टूडेंट्स 3.466. स्टूडेंट्स ये आपका रफ वर्क है, आपको नोटबुक में पीछे करना है, 66.43 किलोमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स पहले आपको रिलेशन ड्रॉ करने है, उसकी हेल्प से आप इजिली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड, यू कैन इजिली सोल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. A very warm and pleasant good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube online classes. Today we discuss our chapter number 31, source of information. Information के स्रोत, जानकारी के स्रोत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Newspaper are very common source of information. जो हमारे newspaper होते हैं, अखबार होते हैं, वो common source of information होते हैं, जानकारी के कॉमन स्रोत होते हैं. इट इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज स्किल्स, ये क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो हमारी भाषा कौशल को इम्प्रूव करते हैं, उन्हें सुधारते हैं. एवरी स्टेट पब्लिशेज इट्स न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक स्टेट का जो, प्रत्येक राज्य का जो न्यूज़पेपर होता है, अखबार होता है, उनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता है. मैच दीज फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स विद देयर लैंग्वेजेस, हमारे पास इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के नेम गिवन है एंड हमें उन न्यूज़पेपर को उनकी लैंग्वेजेस से मैच करना है. वी हैव टू कॉलम्स इन आवर चैप्टर, कॉलम ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इन दिस कॉलम वी हैव डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग अखबार के नेम गिवन है कॉलम ए में. एंड इन कॉलम बी विच इज़ ऑन राइट हैंड साइड वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. So match the newspaper with their related languages. Let's start. First is Punjab Kesari. The language of Punjab Kesari, जो पंजाब केसरी की लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी. वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, हिंदी में लिखा जाता है. Second is Hindustan Times. Hindustan Times is the newspaper of English language. जो Hindustan Times, जो हमारा newspaper है, वो कौन सी भाषा का newspaper है, कौन सी भाषा का अखबार है, अंग्रेजी भाषा का, English language. थर्ड वन इज मलयालम, सॉरी थर्ड वन इज मलयाला मनोरमा. दिस वन इज, दिस न्यूज़पेपर इज ऑफ मलयालम लैंग्वेज. ये हमारी कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, मलयालम लैंग्वेज का, मलयाला मनोरमा. फोर्थ वन इज गुजरात समाचार, इट इज रिटन इन, फोर्थ वन इज गुजरात समाचार, इट इज़ रिटन इन गुजराती लैंग्वेज. जो हमारा गुजरात समाचार है वो कौन सी भाषा में लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, गुजराती, इट इज़ रिटन इन गुजराती लैंग्वेज. फिफ्थ वन इज आनंद बाजार पत्रिका, इट्स लैंग्वेज इज बंगाली. ये कौन सी भाषा का अखबार है, बंगाली भाषा का अखबार है आनंद बाजार पत्रिका, इट इज़ रिटन इन बंगाली लैंग्वेज. इसकी कौन सी भाषा है, बंगाली में लिखा गया है. नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ एंदू, इट इज रिटन इन तेलुगु. एंदू कौन सी भाषा का अखबार है, तेलुगु भाषा का अखबार है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है. सेवन्थ वन इज सकल, ये कौन सी हमारी, ये जो न्यूज़पेपर है ये कौन सी भाषा का न्यूज़पेपर है, मराठी, इट इज ऑफ मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर. नेक्स्ट इज दिनामलार, इट इज न्यूज़पेपर ऑफ तमिल, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है दिनामलार, इट इज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, तमिल भाषा का न्यूज़पेपर है. नाइन्थ वन इज द इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स, सॉरी द इकोनॉमिक्स टाइम्स, नाइन्थ जो हमारा न्यूज़पेपर है वो है द इकोनॉमिक टाइम्स.
टाइम्स एंड इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी भाषा का न्यूज़पेपर है हमारा? इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है। एंड टेंथ वन इज लोकसत्ता एंड इट इज ऑफ मराठी लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा का है? ये हमारा न्यूज़पेपर मराठी का। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर, सो लेट्स रिवाइज अगेन। पंजाब केसरी इट इज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदुस्तान टाइम्स इट इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मलयाला मनोरमा इट इज ऑफ मलयालम लैंग्वेज, गुजरात समाचार इट इज रिटन इन गुजराती लैंग्वेज, आनंद बाजार पत्रिका इट इज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, इंदू इट इज रिटन इन तेलुगु लैंग्वेज, सकल इट्स राइट इन मराठी लैंग्वेज, दीनामलार इट इज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, द इकोनॉमिक्स टाइम्स इट इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लोकसत्ता इट इज रिटन इन मराठी लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 31 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दिस चैप्टर वी हैव वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, वी मैच द न्यूज़पेपर विद देयर रिलेटेड लैंग्वेजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो ऑफ क्लास 5th इंग्लिश रीडर। In our last video, we have completed chapter 11, book exercise and question answer. And now we will start our chapter 12 reading. So let's start. Our chapter name, Uncle Sam's World of Magical Cloaks. Uncle jo Sam hai, unki jadui ghadiyon ka sansar. So let's start reading part. सीबी वोक अप अर्ली वन सैटरडे मॉर्निंग। सीबी नाम की जो लड़की होती है वो एक शनिवार की सुबह क्या हो जाती है, जल्दी उठ जाती है। सी वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत उत्साहित होती है, उत्साहित थी सॉरी। ग्रैंडपा इज कमिंग एट 7 o'clock दिस मॉर्निंग, जो उनके दादाजी थे, सी सैड वो इस सुबह 7 बजे आ रहे हैं। उसने कहा, आई वंडर व्हेन दैट इज, सी डिड नॉट नो हाउ टू टेल द टाइम, मुझे आश्चर्य है कि वह समय बताना नहीं जानती थी। ग्रैंडपा सैम वॉज एन इन्वेंटर हु मेड मैजिकल क्लॉक्स, जो ग्रैंडपा सैम थे वो क्या थे, एक आविष्कारक थे जो कि जादुई घड़ियां बनाते थे। ही मेड क्लॉक्स दैट could talk and clocks that could sing, वो कैसी घड़ियाँ बनाते थे, वो बनाते थे ऐसी घड़ियाँ जो बातचीत कर सकती थी और गाना गा सकती थी। Once he even made a clock that could fly, उन्होंने एक बार ऐसी घड़ी भी बनाई जो उड़ सकती थी। Just then सीबी's mother handed her a package, तभी सीबी की मदर उनको हाथ में क्या देती है, एक पैकेज। This came for you through special delivery, और उनसे क्या कहती है कि यह तुम्हारे लिए एक विशेष डिलीवरी से आया है। It is from Grandpa Sam, उसने क्या कहा, यह Grandpa Sam के यहाँ से है। CB exclaimed, ooh, CB क्या होती है, ooh की आवाज़ करते हुए कहती है, does that means he is not coming, इसका मतलब वह नहीं आ रहे हैं। Inside the package was a tiny cuckoo clock shaped like a cottage. उस पैकेज के अंदर एक छोटी क्या कुकू की शेप में कैसी like a cottage जैसी एक क्या होती है, घड़ी होती है। Marlena wound up the clock and set it on the floor. क्या करती है, उस घड़ी को वहाँ पर फ्रश के ऊपर रख देती है। Then something strange happened, तभी कुछ क्या होता है, अजीब घटित होता है। With each tick, जो आवाज़ करती है घड़ी टिक की, उसके साथ the clock grew larger, जो घड़ी है वो और बड़ी हो जाती है। With every tick it grew larger still, और प्रत्येक टिक टॉक के साथ वो और भी बड़ी होती जाती है। Finally the clock filled the entire room, और फिर क्या होता है, उसकी जो शेप है जैसे जैसे बड़ी होती है उससे पूरा रूम है वो कवर कर लेती है, उससे पूरा रूम भर जाता है। सी बी पियर्ड इन थ्रू वन ऑफ इट्स विंडो,
प्रिपेयर्स क्या होता है, झांकना, सी बी उसकी क्या एक खिड़की से झांकती है, सी वॉज ऑल सरप्राइज टू सी ग्रैंडपा स्लीपिंग साउंडली इनसाइड द क्लॉक फील्ड रूम। जो क्या क्या सरप्राइज होता है उसको, क्या आश्चर्य होता है कि वो जब उस खिड़की से झांकती है विंडो से, तो उनके जो दादाजी है वो उसमें चुपचाप क्या बिना साउंड किए हुए सोए होते हैं उसके अंदर, जो रूम को कवर की होती है घड़ी। द क्लॉक्स बिगेन टू स्ट्राइक सेवन टाइम्स, जो क्लॉक्स होती है वो सेवन टाइम्स के लिए क्या करती है, स्ट्राइक करती है दोबारा से। ईच इन इट्स ओन स्पेशल वे, प्रत्येक उसके एक स्पेशल वे से होती है। बट सैम स्लेप्ट थ्रू इट ऑल, लेकिन जो सैम होते हैं वो चुपचाप क्या है सोए रहते हैं। फिर क्या होता है, क्लाउन क्लॉक सैड, फिर एक जो जादुई जोकर जैसी, सॉरी जोकर जैसी घड़ी होती है वो कहती है वो कब, वे कब स्लीपी हेड, नींद से उनको उठाने के लिए कि नींद में जो सो रहे हो उठो, सेवन टाइम्स एंड पुल्ड अवे द ब्लैंकेट अंकल सैम स्लेप्ट ऑन, और उनका क्या करती है जो कंबल होता है उनको खींचती है उनको जगाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है सैम अंकल क्या होते हैं सोए रहते हैं। अ फ्लेमिंगो क्लॉक स्कैट सेवन टाइम्स एंड टिकल्ड सैम्स फिट स्टिल सैम स्लेप्ट, जो राजहंस घड़ी उसके बाद कर्कश शब्दों में भी सेवन टाइम्स और उनके पैरों पर क्या करती है गुदगुदी भी करती है, लेकिन फिर भी जो सैम अंकल वो क्या होते हैं सोए रहते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स रीड दिस पेज ऑफ चैप्टर 12। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।